हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स फाइंड, और फर्स्ट पार्ट में गिवन है 1/4 ऑफ, और इसके भी आगे तीन पार्ट गिवन है। इसका मतलब पहले हमें 1/4 ऑफ 1/4 फाइंड करना है, उसके बाद 1/4 ऑफ 3/5 फाइंड करना है, और फिर 1/4 ऑफ 4/3 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे 1/4 ऑफ 1/4। तो 1/4 देखिए यहां पर एज इट इज आ गया, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहां मल्टीप्लाई का साइन आया और ये 1/4 यहां पर एज इट इज है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर में 1 × 1 है, तो 1 × 1 न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो 4 × 4 डिनोमिनेटर में आएगा 16। तो 1/4 ऑफ 1/4 का जो हमारा फाइनल आंसर आ गया है वो है 1/16। अब हम फाइंड करेंगे 1/4 ऑफ 3/5। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 1/4 यहां पर एज इट इज आ गया है, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई का साइन आया, 3/5 भी यहां पर एज इट इज आ गया। अब यहां पर देखिए न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में 4 है, तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो हम यहां पर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 3 करेंगे तो न्यूमरेटर में 3 आएगा, अपॉन में देखिए यहां 4 है और यहां 5 है, तो 4 × 5 करेंगे तो डिनोमिनेटर में 20 आएगा। तो 1/4 ऑफ 3/5 का हमारा फाइनल आंसर आ गया है 3/20। अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स 1/4 ऑफ 4/3। इस क्वेश्चन को हमने आपको दो मेथड से सोल्व करके दिखाया है, आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और यहां पर दो मेथड क्यों यूज हुए हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो यहां न्यूमरेटर में 4 है और यहां डिनोमिनेटर में भी 4 है, तो ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में सोल्व हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम दो मेथड से कर सकते हैं, हम 1/1 दोनों मेथड आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये 1/4 तो इधर एज इट इज आ गया, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और ये 4/3 भी यहां पर एज इट इज आ गया। अब देखिए पहले मेथड में हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 4 करेंगे तो न्यूमरेटर में 4 आएगा, और 4 × 3 करेंगे तो डिनोमिनेटर में 12 आएगा। तो अब हमें क्या मिल गया, 4/12। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 और 12 ये दोनों 2 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं, यानी आप इन दोनों को 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आपके पास दो ऐसे नंबर्स आए जो कि एक से ज्यादा नंबर से काटे जा सकते हैं, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि उन्हें आप बड़े नंबर से काटे, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। देखिए काटने को तो आप इनको 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये दोनों 4 से भी काट सकते हैं, तो हम बड़े नंबर 4 से इन दोनों को काटेंगे। 4 × 1 = 4 एंड 4 × 3 = 12। अब देखिए हमें क्या मिल गया, 1/3। तो 1/4 ऑफ 4/3 का जो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स वो है 1/3। अब हम इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड आपको बता रहे हैं। देखिए 1/4 ऑफ 4/3 हमें फाइंड करना है, तो 1/4 एज इट इज आया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहां मल्टीप्लाई का साइन आया, 4/3 यहां पर एज इट इज आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर न्यूमरेटर में 4 है और यहां डिनोमिनेटर में भी 4 है, तो ये दोनों आपस में कट सकते हैं। 4 × 1 = 4 एंड 4 × 1 = 4, यानी यहां पर कटिंग हमने पहले कर दी और मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे, जबकि इस मेथड में हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई पहले किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से भी पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया और कटिंग बाद में की। यहां कटिंग पहले होती है और जो मल्टीप्लीकेशन है वो बाद में किया जाता है। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या बचा, 1 × 1, तो 1 × 1 करेंगे, न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या बचा है, यहां पर 1 है, यहां 3 है, तो 1 × 3 डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। तो दोनों ही केसेस में हमारा आंसर कितना आया, 1/3। तो इसमें से जो मेथड आपको इजी लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा गया है, हमें फाइंड करना है 1/7 ऑफ 2/9, फिर हम फाइंड करेंगे 1/7 ऑफ 6/5, और फिर हमें फाइंड करना है 1/7 ऑफ 3/10।
तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 7 ऑफ 2 अपॉन 9। 1 अपॉन 7 यहां पर एज इट इज आ गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो यहां मल्टीप्लाई का साइन आ गया, 2 अपॉन 9 यहां पर एज इट इज आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर न्यूमरेटर में 2 है और यहां डिनोमिनेटर में 7 है, 7 और 2 आपस में सॉल्व नहीं हो सकते हैं, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 7 इंटू 9 करेंगे तो यहाँ पर 63 आ जाएगा। तो 1 अपॉन 7 ऑफ 2 अपॉन 9 का हमारा फाइनल आंसर आ गया है 2 अपॉन 63। अब हम फाइंड करेंगे 1 अपॉन 7 ऑफ 6 अपॉन 5। अब देखिए 1 अपॉन 7 यहाँ पर एज इट इज आ गया, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आया, 6 अपॉन 5 यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूमरेटर में 6 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है, 7 और 6 आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 1 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 6, और 7 इंटू 5 35 होता है तो यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा 35। तो 1 अपॉन 7 ऑफ 6 अपॉन 5 का हमारा फाइनल आंसर आ गया है 6 अपॉन 35। अब हम फाइंड करेंगे 1 अपॉन 7 ऑफ 3 अपॉन 10। तो 1 अपॉन 7 एज इट इज आ गया, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आया, 3 अपॉन 10 एज इट इज आ गया। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 7 है, यहाँ न्यूमरेटर में 3 है, तो 7 और 3 आपस में सोल्व नहीं हो सकते हैं, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 1 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3, न्यूमरेटर में 3 आ गया, डिनोमिनेटर में 7 इंटू 10 आपको मिल जाएगा 70। तो 1 अपॉन 7 ऑफ 3 अपॉन 10 का हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स 3 अपॉन 70। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।